तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल। नाउ मैं बहुत दिनों बाद कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं घर आया हूँ, तो यहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो घर में जो सामान है उसके हेल्प से मैं वर्कआउट करूँगा चेस्ट वर्कआउट के लिए, और उसके बाद कुछ दिन बाद और अलग तरह का वर्कआउट करूँगा जैसे कि शोल्डर, बैक, विंग्स। लेकिन आज केवल चेस्ट वर्कआउट करेंगे, अभी केवल घर के सामान से। और चलते हैं अपने वीडियो में। वीडियो में जाने से पहले एक और बात बता देता हूँ कि जो मेरा ये कैमरा है ये बहुत ही कमज़ोर है, इसमें अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता है। तो रहन दो फिर। तो मैं गया तो अपने दोस्तों का फ़ोन लेकर अच्छे क्वालिटी के कैमरा से मैं अपना वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जिसमें हर एक फिटनेस, हर एक चीज़ अच्छा दिखे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो आज इस सिलेंडर के हेल्प से हम इनर चेस्ट बनाने चलते हैं। वेरी सिंपल है, जो जिम का इक्विपमेंट होता है उसे भी बढ़िया अगर हम बनाना चाहेंगे सिलेंडर के हेल्प से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप क्या करना है, आपको मिडल में पकड़ लेना है। मिडल में पकड़ने के बाद आराम से लेट जाइए और उसके बाद बनाइए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। और दूसरा तरीका क्या है, इस तरह करने के बाद आप इसको इस तरह पकड़ कर मारेंगे वर्कआउट। तो इतना करने के बाद अब हम ईट के हेल्प से चेस्ट वर्कआउट करेंगे। सिलेंडर के हेल्प से वर्कआउट करने क्या होता है, जो हमारा ये जो मिडिल चेस्ट होता है ये इससे बनता है, ये बनता है, और ये जो अपर चेस्ट होता है ये बनता है। और हम लोग क्या है कि लोअर चेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, लोअर चेस्ट बनाने के लिए वेरी सिंपल, आराम से ऊंची चीज़ में हाथ रखेंगे। और पहले मैं इसी को मैं हटाता हूँ, हाथ रखेंगे और उसके बाद ये रहा लोअर चेस्ट के लिए। इससे क्या होगा कि लोअर चेस्ट बनेगा और सोकर मारेंगे तो अपर चेस्ट बनेगा। ईट के हेल्प से हम लोग चेस्ट के लिए मारेंगे, क्या है इससे कर लेंगे। फाइनली चेस्ट का वर्कआउट और बाद में लाएंगे, थोड़ा बाइसेप के लिए वर्कआउट कर लेता हूँ। तो इस बाइसेप के वर्कआउट के बाद हम चलते हैं अपने एस्थेटिक पोजेज पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विंग्स पोज एंड बाइसेप पोज, फिर इसके बाद ये रहा मेरा चेस्ट पोज, और ये देखिए पास है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये मेरा सिक्स पैक पोज, बाइसेप और विंग्स पोज फिर से, और सिक्स पैक को थोड़ा अंदर की तरफ लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये देखिए मेरा बाइसेप पोज, और जो जी बाइसेप कॉन्टे से मैं बनाने का प्रयास कर रहे हैं अभी। तो ठीक है, ये चाहे कितनी भी हो, अगर हम लोग अपने शरीर पे फोकस करेंगे तो बेहतर होता है। फिटनेस शरीर के लिए बहुत सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग 80% से लोग हैं फिटनेस पे फोकस नहीं करते, जिसके कारण उनको फैट आ जाता है और एक प्रकार से ये बीमारी का कारण भी बनता है। क्या करना है, सिंपली हमें दिन में कम से कम खाना खाना चाहिए 2-4 बार। क्यों? क्योंकि डाइट अच्छा लेना ज़रूरी होता है अपने अच्छे बॉडी बिल्डिंग के लिए। क्या होता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे लेकिन वहीं 4 टाइम पे आएंगे तो यह सही रहेगा, लेकिन वहीं पेट भर भी खाएंगे अगर टाइमली नहीं खाएंगे तो यह सही नहीं रहता। तो कोई नहीं, आज था हमारा चेस्ट का वर्कआउट, कुछ दिन बाद और अच्छे से कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, इसके लिए ये देखिए, इसके लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट माई चैनल।